वजअलना लिलमुत्तकीन इमाम, और हमें मुत्तकीन के लिए इमाम करार दे। रसूल खुदा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस शिया और सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है। शिया कुतुब के अंदर, बिहारुल अनवार के अंदर, तफसीर फवाद कूफी के अंदर, और अहले सुन्नत की किताब के अंदर तअवीलुज़ ज़ाहिरा और शवाहिदुत तंज़ील के अंदर यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई तो मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनके बारे में परवरदिगार आलम कुरान मजीद के इस आयत में तस्किरा फरमा रहा है कि ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपनी अजवाज से और हमारी ज़ुर्रियात से आँखों की ठंडक अदा कर और हमें मुत्तकीन के लिए इमाम करार दे। तो जिब्राइल कहते हैं कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि यहाँ अजवाज से मुराद बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। ज़ुर्रियात से मुराद बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। और आँखों की ठंडक कोई वादा आयुनिन से मुराद हसन और हुसैन की ज़ात है मुकद्दसा। और वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और हमें मुत्तकीन के लिए इमाम करार दे। इस टुकड़े से मुराद परवरदिगार आलम के नज़दीक परवरदिगार आलम का मकसूद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इसलिए कि मौला की ज़ात वो ज़ात थी जिसमें मुत्तकियों की तमाम सिफात जमा हो गई थी। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि एक शख्स जो पहलवान हो, जो बहादुर हो, जो शुजा हो, जंगों में बेहतरीन कारनामे अंजाम देता हो, सुबह शाम उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है लड़ाई के हैबों को सीखने के लिए और अपने आप को उस प्रैक्टिस में रखना पड़ता है, वो उसी दर्जे का आलिम नहीं हो पाता। उसके अंदर अगर शुजात की सिफत कमाल पर है तो इल्म की सिफत इतने कमाल पर नहीं होगी। इबादत की सिफत में वो पीछे रह जाएगा। शुजात में अगर मसरूफ़ है, प्रैक्टिस कर रहा है पहलवानी के कामों में, अपने आप को दिन रात मशगूल रखता है, तो इबादत के अंदर वो आपको कमज़ोर नज़र आएगा, सबर में आपको कमज़ोर नज़र आएगा, हो सकता है ज़ोहद में आपको कमज़ोर नज़र आए, इल्म के अंदर आपको कमज़ोर नज़र आए। बहुत सारे आलिम आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जो इल्मी मेयार के अतबार से तो बहुत बुलंद है, पाए के आलिम है, लेकिन इबादत के अंदर आपको दोनों इबादत करते हुए नज़र आएंगे, सिर्फ वाजिबात का अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। और बहुत सारे आबिद ऐसे हैं कि जो सुबह शाम इबादत करते हैं लेकिन इल्म के अतबार से उनके इल्म के दर्जात में कमी नज़र आएगी। लेकिन ये अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है कि उलमा को ये कहना पड़ा कि जम ए मुतज़ाद सिफात, वो सिफात जो एक दूसरे की ज़िद थी, शुजात के अंदर भी अली इब्न अबी तालिब कमाल पर नजर आते हैं। ज़ैबतो अली यौम अल-खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सक़लैन, इबादत के मरहले में भी अली इब्न अबी तालिब कमाल पर नजर आते हैं। पैरों से अगर तीर को निकाल दिया जाए तो अली इब्न अबी तालिब को एहसास और महसूस नहीं होता। ज़ुहद के अंदर अली इब्न अबी तालिब कमाल पर नजर आते हैं। इन्फाक के अंदर अली इब्न अबी तालिब जो अंगूठी देते हैं उस अंगूठी पर आयत उतरती है। हया के अंदर अली इब्न अबी तालिब की हया बुलंदी मकाम पर मौजूद है। तवक्कुल के अंदर अली इब्न अबी तालिब तवक्कुल के कामिल मरहले पर मौजूद है। यकीन के मरहले में अली इब्न अबी तालिब के यकीन की हालत यह है कि अगर मेरे सामने आसमान और जमीन के पर्दों को हटा दिया जाए, वहाँ अज़दतु यकीन, यकीन के अंदर एक ज़र्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा।
ये अली इब्न अबी तालिब की जात है। तो हम और आप वो हुआ करते हैं कि जब हम में एक सिफत आ जाए तो दूसरी सिफत में कमी वाकई हो जाती है, लेकिन अली इब्न अबी तालिब वो है कि जब उसके अंदर सिफात आती है तो हर हर सिफत कमाल पर होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। जिसे आप उर्दू और फारसी के अंदर बख्शिश कहते हैं, अली इब्न अबी तालिब का इन्फाक सिर्फ माल तक महदूद नहीं था। हम समझते हैं इन्फाक सिर्फ माल होता है, नहीं अज़ीज़ानी गिरामी आपकी तवज्जो मबसूद है। इन्फाक सिर्फ माल के साथ नहीं होता, इन्फाक वसाइल के साथ भी होता है, ख्वाहिशों के ईसार के साथ भी इन्फाक होता है, तवज्जोहात के साथ भी इन्फाक होता है, किसी मोमिन के सामने मुस्कुरा लेने से इन्फाक हुआ करता है, किसी मोमिन के दिल को खुश करने के जरिए से इन्फाक हुआ करता है। पूरे साल इस मौजू पर तैयारी के बाद सिर्फ इन्फाक अली इब्न अबी तालिब के मौजू पर रिवायात को गिना तो हकीम ने जो हकीम को मिली रिवायात 522 की तादाद उन वाकयात पर मबनी है जो अली इब्न अबी तालिब के इन्फाक में शामिल है। सिर्फ इन्फाक पर 522 रिवायात हकीम को नजर आई तो आप सोचेंगे इससे कई ज्यादा जो रिवायात के अंदर जिक्र नहीं हुई होंगी वो इन्फाक पर अली इब्न अबी तालिब की। अली इब्न अबी तालिब का इन्फाक आपने सबने सुना है। एक मरतबा रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ऊंट लाए जाते हैं, इब्न अब्बास की रिवायत है, दो ऊँटों को लाया जाता है और रसूल को दिया जाता है। अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं कि ये दो ऊँट लातियन्ना मैं उसे दूंगा कि जो दो वक़्त ऐसी नमाज पढ़ेगा जिसके अंदर दुनिया के अवहाम और दुनिया के वहमों में से कोई वहम शामिल ना। एक एक करके सहाबी आता है, अल्लाह के रसूल इल्मे गैब से खबर देते जाते हैं कि नहीं तुम्हारी नमाज के अंदर फलां मकाम के ऊपर फलां जगह के ऊपर तुम्हारे जहन में दुनिया का वो ख्याल आ गया। एक मरतबा अली इब्न अबी तालिब की नौबत आती, अली इब्न अबी तालिब नमाज को शुरू करते हैं, जब नमाज को तमाम करते हैं तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ऐ अली इब्न अबी तालिब जब तुम रुकू कर रहे थे तो तुम्हारे जहन के अंदर इन ऊँटों का ख्याल आया। अली इब्न अबी तालिब मुस्कुराते हैं मगर खामोश रहते हैं। एक मरतबा जिब्राइल नाज़िल होते हैं और कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल बेशक आपने सही कहा लेकिन जिस वक्त अली इब्न अबी तालिब के जहन में इन ऊँटों का ख्याल आया था उस वक्त भी उन्होंने अपनी दुनिया के लिए इन ऊँटों के ख्याल को जहन में नहीं आने दिया बल्कि अपनी आखिरत के लिए ये नियत की थी, ये कज़्ज़े कोबत किया था कि खुदाया अगर ये दो ऊँट मुझे मिल गए तो मैं मदीने के मुहाजिरीन और अंसार में तकसीम कर दूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। आज की शिया को भी कैसा होना चाहिए, कम अज़ कम हम में अगर वो सिफात पाया कमाल पर नहीं पहुँच सकती तो कम अज़ कम उसकी झलक तो नजर आए कि हाँ ये अली का शिया है। उसके पास अगर कोई मोमिन भाई आता है और उसे सवाल करता है तो उसे झिड़के तो नहीं कम अज़ कम और उसकी मदद करने की और उसकी कुमक करने की कोशिश कर। एक मरतबा रसूल खुदा मौला को 300 दिरहम देते, 300 दिरहम देने के बाद ईशा की नमाज पढ़ी जाती है। ईशा की नमाज जब ख़त्म हो जाती है तो मौला निकलते हैं रात के अंधेरे में, ये नियत करते हैं कि जो भी मुझे मिला मैं उस इसमें से 100 दिरहम खुदा की ज़ात के लिए और खुदा की कुर्बत के लिए अता कर दूँगा। और ये जुमला कहते हैं ये इन 300 दिरहमों में से 100 दिरहम को आज की रात मैं उस साहिल को कि जो मुझे रास्ते में मिला मैं दे दूँगा। एक मरतबा एक खातून आती है और तकाजा करती है, अली इब्न अबी तालिब ये 100 दिरहम उस खातून को दे देते हैं। मदीने के अंदर एक शोर उठता है। अगले दिन सुबह को ये खबर फैल जाती है कि अली इब्न अबी तालिब ने एक फासिका और फाजिबा औरत को 100 दिरहम देकर उसकी मदद की है। अली इब्न अबी तालिब गमनाक हो जाते हैं
और अफसोस करना शुरू करते हैं। वो फिर नियत करते हैं कि आज की रात मैं उन 300 दिरहमों में से जो 200 दिरहम बच गए उसमें से भी 100 दिरहम खुदा की राह में सदका कर दूंगा। एक मर्तबा निकलते हैं ईशा की नमाज के बाद, देखते हैं एक मर्द है अली इब्न अबी तालिब, वो 100 दिरहम उसके तकाजे के बाद उसे दे देते हैं। अगले दिन मदीने में ये खबर फैलती है कि अली इब्न अबी तालिब ने एक सारक को, एक चोर को ये 100 दिरहम दे दिए। तीसरा दिन आता है, अली इब्न अबी तालिब अफसोस करते हैं, गमनाम होते हैं। फिर अली इब्न अबी तालिब नियत करते हैं, इमाम अली मकाम नियत करते हैं 100 दिरहम जो बचे हुए होते हैं वो एक और शख्स को दे देते हैं। अगले दिन मदीने में खबर फैलती है कि अली इब्न अबी तालिब ने एक गनी और मालदार और अमीर शख्स को 100 दिरहम दे दिए। बस अली इब्न अबी तालिब अफसोस करते हैं, गमनाक होते हैं। एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं। एक मर्तबा गमनाक हालत में है, अल्लाह के रसूल उनके चेहरे को देखते हैं, जिब्राइल नाज़िल होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, अपने इस भाई को ये खबर दे दीजिए कि उसे गम करने की और लोगों की बातों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जिस खातून को, जिस फासिका फाजिबा औरत को अली इब्न अबी तालिब के हाथों के जरिए से 100 दिरहम मिले हैं, वो 100 दिरहम लेते ही अपने घर जाकर तौबा और इस्तग़फ़ार करती है कि मैं कैसी खातून हूँ कि मैं फिस्क व फुजूर में मुब्तला हूँ और अली इब्न अबी तालिब अपने अम्माल में से इन्फाक करते हुए मेरी मदद कर रहे हैं। और जिस मर्द ने, जिसके बारे में लोगों ने ये कहा कि चोर की मदद की, अली इब्न अबी तालिब ने 100 दिरहम इसे देने के बाद ये चोर अपने घर जाता है, तायब और इस्तग़फ़ार करता है और ये कहता है कि मैं चोरी करूंगा लोगों का माल, जबकि अली इब्न अबी तालिब अपने माल में से मुझे अदा कर रहे हैं। और वो शख्स जो गनी था और मालदार था, जो ज़कात अदा नहीं करता था, अली इब्न अबी तालिब ने जैसे ही उसे 100 दिरहम दिए तो वो 100 दिरहम लेने के बाद जब अपने घर गया तो उसने ये सोचा कि अली इब्न अबी तालिब मुस्तहिब ज़कात को, मुस्तहिब सदक़ात को मुझे दे रहे हैं और मैं वाजिब ज़कात अदा नहीं करता। बस ये सोचकर तौबा और इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह ताला की ये आयत नाज़िल होती है सूरह नूर की 37वीं और 38वीं आयत, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन अन ज़िक्रिल्लाह, के वो अफराद, वो मर्द, ये वो लोग हैं कि जिन्हें तिजारत और बै खुदा के जिक्र को, खुदा के हुक्म की इताअत को अंजाम देने से रोकती नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान ये देखे बगैर कि सामने कौन है मदद करे और इन्फाक करे, नहीं। अली इब्न अबी तालिब की निगाह और इंसान जब इन्फाक करे तो ये तवज्जो रखे, बेशक ये तवज्जो रखे कि मैं जिसे इन्फाक कर रहा हूँ, जिसे मैं माल अंजाम दे रहा हूँ, वो इसे हराम कामों में, शराब पीने में, इसको फजूल के अंदर, चोरी करने के अंदर तो इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हर शिया का फरीजा है जो ज़िमनन मतलब बताना ज़रूरी है। इन्फाक के अंदर भी अली इब्न अबी तालिब की ज़ात वो है कि माल के जरिए से जब इन्फाक कर रहे हैं तो एक मरतबा लोग रसूल के पास आते थे और आकर रसूल को अजियत करते थे, तरह तरह के सवाल करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा कोई मौलाना अगर तन्हा बैठा हो तो वो आते हैं और तरह तरह के सवाल करते हैं कि अगर कुछ सवाल नहीं होता तो कहते हैं मौलाना इससे खाना निकाल दीजिए। तो वैसे ही कोई एक नौजवान आया किसी मौलाना के पास और आकर कहा कि मौलाना साहब आप मुझे औलाद के लिए दुआ बता दीजिए। तो मौलाना साहब ने उसको दुआ बताई, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। उसने कहा कि मैंने ये दुआ बहुत दफ़ा पढ़ी है, और दूसरी दुआ बताई है, कहा कि रब्बी हबली मिन सालिहीन, ये दुआ पढ़ो। कहा ये भी मैंने बहुत दफ़ा पढ़ चुका हूँ, आप कोई और दूसरी दुआ बताई है। कहा पढ़ो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। कहा ये भी मैं पढ़ चुका हूँ। कहा कि अच्छा तो फिर दुआ कहो कि रब्ब इजअलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, कि या अल्लाह तू मुझे भी नमाज कायम करने वाला अंजाम दे, करार दे और मेरी ज़ुर्रियत को भी। कहा मैं ये दुआ भी बहुत पढ़ चुका हूँ, आप कोई और दुआ बताइए। कहा कि सारी तो दुआएं मैंने तुम्हें बता दी, तो
तुम सारी तो दुआएं पढ़ चुके हो, तुम्हारा मसला क्या है? कहा मौलाना साहब मेरी शादी नहीं हुई। तो बाद ऐसे अफराद होते हैं वो सिर्फ सवाल करने की खाते और परेशान करने के लिए आते हैं कि मौलाना साहब आप इस सवाल का जवाब देते हैं, जबकि इसका मौजू ही मुंतफी होता है, सबब ही मुंतफी होता है। ऐसा नहीं हो, तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल के पास आते थे लोग और तमाम तमाम के सवाल लेकर आते थे, परेशान करते थे अल्लाह के रसूल को। खुदावंद मुताल ने हुक्म नाजिल किया कि आज के बाद, जिसे आया नजवा कहते हैं, आज के बाद जो भी अल्लाह के रसूल से मुलाकात करना चाहे और उनसे इल्म हासिल करना चाहे तो वो पहले सदका दे, उसके बाद अल्लाह के रसूल के पास जाए और इल्म हासिल करे। वहाँ भी अली इब्न अबी तालिब ने हमारे लिए नमूने अमल करार दिया कि देखो, अगर तुम्हें इल्म भी हासिल करना है और तुम्हें उस इल्म के लिए इन्फाक भी करना पड़े, माल भी खर्च करना पड़े, तो इल्म को हासिल करो। तारीख के अंदर कोई ऐसी जात, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसने इस आयत पर अमल किया हो, ना अली इब्न अबी तालिब से पहले, ना अली इब्न अबी तालिब के बाद, हत्ता किसी इमाम ने भी ये इस आयत के ऊपर अमल नहीं कर सका। क्यों? इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब जाते थे 10 दिरहम, उन्होंने हर दिरहम को रोज के लिए मुकर्रर किया, 1 दिरहम देते थे, रसूल से इल्म हासिल करते थे और इल्म हासिल करने के बाद वापस पलट के आते थे। 10 दिन के बाद दूसरी आयत नाजिल होती है जिसके अंदर इस हुक्म को मंसूख कर दिया जाता है। यही वजह है कि अली इब्न अबी तालिब के अलावा आज तक इस हुक्म के ऊपर किसी ने अमल नहीं किया और ये हुक्म मंसूख हो जाता है और खुदा ने मुताले फरमाता है कि आज के बाद तुम्हें रुख्सत है, तुम्हें इजाजत है कि तुम अल्लाह के रसूल के पास बगैर सदका दिए भी इल्म हासिल कर सकते हो। तो कुरान मजीद के ऊपर कामिल तौर के ऊपर कि पूरे कुरान के ऊपर जिस हस्ती ने अमल किया हो, अगर कोई दावा कर सकता है तो अली इब्न अबी तालिब की जात मुकद्दसा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इन्फाक इनका इस कदर ज्यादा कि खुदा हर इन्फाक पर एक आयत नाज़िल करता है। एक मर्तबा जाफर बिन अबू तालिब, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने हफ्शा भेजा था, जब वो हफ्शा से वापस आते हैं तो खैबर वाले दिन जाफर बिन अब्दुल मुत्तलिब वापस आते हैं, जाफर बिन अबू तालिब वापस आते हैं, तो जाफर बिन अबू तालिब आकर हफ्शा से एक कीमती कपड़ा रसूल की खिदमत में पेश करते हैं जो बहुत कीमती होता है और हफ्शा के बादशाह ने, नजाशी ने भेजा होता है। खैबर में अल्लाह के रसूल ये ऐलान करते हैं, लआतियन गदन, कल में। देखिए लआतियन का कमाल क्या है कि खैबर में जब फतह का वक्त था उस वक्त भी कहा लआतियन गदन राया, मैं उस कल अलम दूंगा एक ऐसे शख्स को कि जिसे अल्लाह उसके रसूल पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जो खुद अल्लाह उसके रसूल को मोहब्बत करता है। और इस कपड़े के बारे में भी अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया कि कल मैं ये कपड़ा एक ऐसे शख्स को दूंगा कि जिसे अल्लाह और उसका रसूल पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, और वो खुद भी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तमाम असहाब, ये रिवायत के जुमले, हदीस के जुमले तबरी के अंदर, अहले सुन्नत की किताब है, तमाम असहाब गर्दने बुलंद कर करके कोशिश करने लगे कि उनका चेहरा अल्लाह के रसूल को नजर आए और अल्लाह के रसूल उनके चेहरे को देखकर ये कपड़ा उन्हें अता करें। लेकिन एक मरतबा अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं, या अम्मार ऐन अली इब्न अबी तालिब, ए अम्मार बताओ अली इब्न अबी तालिब कहाँ है। वसबा अम्मार इब्न यासिर, अम्मार इब्न यासिर तेजी से दौड़ कर जाते हैं और अली इब्न अबी तालिब को बुला कर लाते हैं। मौला जब तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह के रसूल ये कपड़ा मौला को देते हैं खैबर के मौके पर और कहते हैं कि ये कपड़ा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए और तुम्हारी मिल्कियत में। अली इब्न अबी तालिब खैबर से निकल कर जब मदीने पहुँचते हैं तो इस कपड़े को बाजार में फरोख्त करके इसके 1000 मिसकाल सोना खरीदते हैं और उसी वक्त ही 1000 महाजिरीन और अंसार के दरमियान तकसीम कर देते हैं। उसी रात अल्लाह के रसूल अली इब्न अबी तालिब के घर तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ए अली, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने उस कपड़े को बेच कर 1000 मिसकाल सोना लिया है, तो आज मैं और अंसार और तमाम महाजरीन
आपके घर पर इंशाल्लाह गजा तनावुल फरमाएंगे और हम आपके साथ बैठकर रात का खाना खाएंगे। एक मरतबा अली इब्न अबी तालिब को ये एहसास होता है कि रात के लिए तो उन्होंने कोई गजाओं के घर में मौजूद नहीं है, उन्होंने सारा माल इन्फाक कर दिया था, लेकिन फिर भी कमाल वसअत के साथ जवाब देते हैं, मरहबन बिकुम, आइए तशरीफ लाइए। बस वो घर में तशरीफ लाते हैं, जैसे ही घर में पहुँचते हैं मौला जनाबे सैयदा से पूछते हैं कि क्या घर में कुछ है। एक मरतबा जनाबे सैयदा अपने चेहरे को यमीनन व यसारन दाएं तरफ दौड़ाती हैं और बाएं तरफ निगाह करती हैं। एक मरतबा एक वसीत को देखती हैं, एक प्याले को देखती हैं जिसके अंदर गजा मौजूद होती है, जिसे अरबी जबान के अंदर कहते हैं खरीद, जिसे आप आज के ज़माने के अंदर सालन, आलू और गोश्त का सालन आप कह सकते हैं, वो मौजूद है। वो देख कर एक लम्हे के लिए कहती हैं कि हाँ ये गजा मौजूद है। बस अली इब्न अबी तालिब इस गजा को अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करते हैं, तमाम असहाब, तमाम महाजरीन और अंसार इससे तनावुल करते हैं और ये गजा ख़त्म नहीं होगी। एक मरतबा अल्लाह के रसूल जनाब सैयदा से पूछते हैं, बिनती, ऐ मेरी बेटी, मिन ऐना हाजा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, अन्ना लकी हाजा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो जनाब सैयदा जवाब देती हैं, अल्लाहु यरज़ुकु मिन गैर हिसाब, अल्लाह रिस्क अता करता है बगैर किसी हिसाब के। एक मरतबा अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, तारीख के अंदर दो ही ऐसे मकाम है जिसमें बाप ने अपनी बेटी से पूछा कि ऐ बेटी ये बताओ ये गजा तुम्हारे पास कहाँ से आई है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमतुज़्ज़हरा से पूछा और एक मरतबा इमरान की बेटी मरियम से जनाबे ज़करिया ने पूछा, अन्ना लकी हाजा, ये गजा तुम्हारे पास कहाँ से आई है। तो जनाबे मरियम ने जवाब दिया कि ये खुदा की जानिब से है, खुदा जिसे चाहता है बगैर हिसाब अता करता है। कहने दीजिए कि तारीख के अंदर मरियम और जनाब सैयदा का मकाम हमने और आपने नहीं बनाया, खुदावंद मुताल ने कुरान के अंदर इस आयत को देकर बता दिया कि या तो वो मरियम है जिसे खुदा बगैर हिसाब अपनी मर्जी से उस तरीके से अता करता है कि ज़करिया को ताज्जुब होता है, या वो जनाब सैयदा है कि जिन्हें इस तरीके से अता करता है कि अल्लाह के रसूल सवाल करते हैं। सवाल सलवात है मोहम्मद पिछाड़ देते हैं तो थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ करते हैं, रुक जाते हैं। सलमान फारसी अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, लिमाज़ा वक़फ़ा अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब ने फौरन ही क्यों गर्दन ना उड़ा दी उमर बिन अब्दुल्लाह की, रुक क्यों गए। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, जाओ अली इब्न अबी तालिब से पूछो। सलमान फारसी मौला से सवाल करते हैं, इमाम अली मकाम जवाब देते हैं कि जब उमर बिन अब्दुल्लाह को मैं कत्ल करना चाहता था तो इसने मेरी माँ के बारे में मुझे बुरा भला कहा, मेरी माँ को बुरा भला कहा और मेरे चेहरे मुबारक के ऊपर थूका, जिसकी वजह से एक लम्हे के लिए मेरी अपनी गैरत जाग उठी। तो अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि मैं अगर उस वक्त इसे ज़हबत लगा देता तो ये ज़हबत खुदा की खातिर ना होती, इसलिए मैंने सब्र किया और इस बुरा भला कहने को और इस टूटने को बर्दाश्त किया ताकि अली इब्न अबी तालिब की जो ज़हबत अमर बिन अब्दुल्लाह को लगे वो खालिस अल्लाह की। और सिर्फ यही नहीं, रसूल की वफात के बाद जब अली इब्न अबी तालिब का सबर नजर आता है तो आप जानते हैं कि रसूल की वफात के बाद क्या मजालिम ढाए गए, बेशुमार मसाइब अली इब्न अबी तालिब पर नजर आते हैं और उस पर वो सबर करते हैं। तो क्या आज का शिया अपनी मुसीबतों पर सबर नहीं कर सकता कि वो जब मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो ये कहता है कि अल्लाह को मैं ही मिला था कि मुझ पर मुसीबतें और परेशानियाँ नाजिल करते ना उस मिला बिन तालिब। अगर वो अली का शिया है तो कोशिश करें कि ऐसा सबर नहीं है तो कम से कम उसकी झलक तो नजर आए। अब वो दरगुजर अली इब्न अबी तालिब का, मौला का, इमाम अली मकाम का अफ़ो दरगुजर इस कमाल के ऊपर कि जब मौला
देखते हैं कि मेहमान बिन हकम और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर उस खेमे में चले जाते हैं जिस खेमे में रसूल की जौजा थी जंग जमल के अंदर, तो अल्लाह के रसूल के एहतराम के अंदर अली इब्न अबी तालिब उन अफराद को भी बख्श देते हैं जो अल्लाह के रसूल की जौजा के खेमे में मौजूद है। ये अफूल दरूस है। लेकिन अगर आज का शिया ये कहना शुरू कर दे कि मेरे साथ तो फला ने ये जुल्म किया, मेरे साथ तो फला ने ये मेरा माल गश्त कर दिया, फला ने मेरे मुझ पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया, और अगर वो अब तायब भी इस्तग़फ़ार भी, मैं तो सारी ज़िंदगी उसे नहीं बख्शूंगा, तो नहीं। अली के शिया के अंदर अली की झलक नजर आनी चाहिए। अगर अली के हया को देखते हैं, आज हम सारी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तमाम सिफात को, बेशुमार सिफात हैं जिसमें से चंद सिफात को हम मजबूत कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। अखलाकी सिफात हैं, इक्तिसादी सिफात हैं, इज्तिमाई सिफात हैं, खानवादी की सिफात हैं, सबको तो नहीं जिक्र कर सकते। आज अखलाकी सिफात को मैं जिक्र कर रहा हूँ। हया अगर अली इब्न अबी तालिब की आप देखते हैं, अली इब्न अबी तालिब की हया इस कमाल के ऊपर है कि उम्मे सलमा ये रिवायत करती हैं कि जब एक मरतबा अली इब्न अबी तालिब रात के वक्त मेरे घर पर आते हैं, तो अली इब्न अबी तालिब दरवाजे को बहुत ही आहिस्ते से खफीफ तरीके से दखलबाब और खटखटाते हैं। अल्लाह के रसूल को आवाज़ पहुंच जाती है, कहते हैं कि ए उम्मे सलमा जाओ और जाकर देखो कि कौन आया है। उम्मे सलमा कहती है कि इस रात के अंधेरे में जबकि मेरे सर पर विदा नहीं है, मैं क्या दरवाजे को खोलूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हाँ, चूँकि जो मर्द आया है वो अपनी आँखों के अतबार से, अपनी निगाहों के अतबार से हया का कामिल नमूना है, और ऐसा हया का कामिल नमूना है कि जो दक्कुल बार भी करता है तो खफीफ तरीके से कि कहीं किसी खातून को परेशानी ना हो। अली इब्न अबी तालिब की हया इस कमाल पर थी कि आजकल का तो शिया जब उसके यहाँ कोई बहू आना चाहती है या किसी जवान से उसकी बेटी की शादी हुआ करती है तो बेटी का बाप परेशान हो जाता है। क्यों? इसलिए कि जो बेटी के ससुराल वाले हैं वो इतना माल तलब करते हैं, इतना माल तलब करते हैं कि बाप परेशान हो जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल के सामने अली इब्न अबी तालिब का हया इस कमाल पर था कि जब अली इब्न अबी तालिब के घर में तामीर की जरूरत पड़ती है और इस एतबार से कि उनके घर को बनाना होता है, तो एक मरतबा रिवायत के जुमले हैं कि अली इब्न अबी तालिब कमाल हया से इस शर्म को महसूस करते हैं कि मैं कैसे रसूल की खिदमत में जाकर ये कहूँ कि उनकी बेटी के घर को बनाने की ज़रूरत है। एक मरतबा मिकदार बिन असवद से कर्ज लेकर उस घर की तामीर करते हैं। इस कमाल पर अली इब्न अबी तालिब की हया। और अगर आप तवक्कुल को देखते हैं तो तवक्कुल इस कमाल पर, एक मरतबा एक शख्स कहता है कि कंबर हैं जो अली इब्न अबी तालिब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो तलवार लेकर जहाँ जहाँ अली इब्न अबी तालिब इमाम अली मकाम जाना चाहते हैं, कंबर मौला के पीछे पीछे चलता है। एक मरतबा मौला कंबर से कहते हैं कि तुम तलवार लेकर मेरे पीछे क्यों चल रहे हो, तो कंबर जवाब देता है कि आप क्या जानते नहीं कि आपके दुश्मन किस किस तरीके से मौजूद हैं। सिफीन बर्पा हो चुकी, जमल बर्पा हो चुकी, नहवान बर्पा हो चुकी। एक मरतबा मौला जवाब देते हैं, कंबर मुझे तुम्हारी तलवार की हिफाजत की जरूरत नहीं है, क्या तू मुझे जमीन से डराना चाहता है या आसमान वालों से डराना चाहता है। कंबर कहते हैं कि मैं जमीन वालों से डराना चाहता हूँ। तो मौला इमाम अली मकाम उस वक्त ये जवाब देते हैं कि ऐ कंबर, जो शख्स भी अल्लाह पर ईमान रखता होगा वो जमीन वालों से नहीं डरेगा, जिस अल्लाह ने मुझे भेजा है नुमाइंदा बनकर वही मेरी हिफाजत करेगा अजल मक्तूम तक, उस वक्त तक जिस वक्त तक अल्लाह ने मेरे लिए मौत मुकर्रर की है। ये अली इब्न अबी तालिब का ईमान है, अली इब्न अबी तालिब का तवक्कुल है। और अगर हम शुक्र के मरहले में देखते हैं तो अली इब्न अबी तालिब का शुक्र वो शुक्र है कि तारीख ने कहा कि पहला सजदा शुक्र तारीख में जिस हस्ती ने किया है वो कौन है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। सजदा शुक्र का आगाज अली इब्न अबी तालिब के सजदा शुक्र से होता है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल अली इब्न अबी तालिब के फजाइल बयान करना शुरू करते हैं, इतने फजाइल बयान करते हैं कि एक मरतबा मौला फरमाते हैं कि ए
अल्लाह के हबीब क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं सजदा शुक्र अंजाम दूँ। बस अली इब्न अबी तालिब सजदा शुक्र को अंजाम देते हैं और अल्लाह के रसूल उस वक्त ये जुमला कहते हैं कि ये सजदा बता रहा है कि अली इब्न अबी तालिब का तवाज़ु भी कमाल पर है और ईमान भी कमाल पर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगर आप मुलाहिजा करें ईसा भी अपने कमाल पर नजर आता है, कुर्बानी अपने कमाल पर नजर आती है, जोहद को देखें जोहद अपने कमाल पर नजर आता है। एक मरतबा मौला की शहादत के बाद मोहम्मद हनफिया आता है और मोहम्मद हनफिया आकर आते हैं और कहते हैं मौला हसन और मौला हुसैन से कि आप हमें अपने बाबा की मीरास में से कुछ दें। मोहम्मद हनफिया आपकी तवज्जो है, मोहम्मद हनफिया आ रहे हैं हसन और हुसैन के पास कि आप हमें हमारे बाबा के मीरास में से कुछ दें। तो एक मरतबा हसन और हुसैन जवाब देते हैं कि ऐ मोहम्मद हनफिया कद अलिमता, तू तो जानता है, तुम तो जानते हो कि हमारे बाबा ने मीरास के अंदर सफरन वला ज़फरन ना ही कोई सिक्का छोड़ा है और ना ही कोई चांदी छोड़ी है। तो मोहम्मद हनफिया जानते हैं हाँ बेशक मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारे बाबा ने मीरास के अंदर मीरास से माल नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं मीरास से इल्म का तकाजा कर रहा हूँ कि आप मुझे अली इब्न अबी तालिब के इल्म की मीरास में से अता करें। कितना अच्छा हो, कितना बेहतर हो कि आज का शिया भी अपने बच्चों के लिए इल्म की मीरास छोड़ के जाए। कितने शिया ऐसे हैं कि जिनके घरों के अंदर इल्मी किताबें मौजूद हों, इल्मी मकाले मौजूद हों और उनके बच्चे ये कह कर जाए कि हाँ हमारे बाबा हमारे लिए मीरास में इल्म की छोड़ दिया। मौला ये बता रहे हैं कि इल्म वो मीरास है कि जो अंबिया की मीरास है, इल्म वो मीरास है कि जो औलिया की मीरास है, इल्म वो मीरास है कि जो औसिया की मीरास है। अंबिया औलिया और औसिया मीरास के अंदर अपने बच्चों के लिए जो चीज़ छोड़ के जा रहे हैं वो इल्म है। इज़्ज़ाने ग्रामी अली इब्न अबी तालिब का ज़ोहद इस मकाम पर है, सबर इस मकाम पर है, शुक्र इस मकाम पर है। अली इब्न अबी तालिब के ईमान की इंतहा इस कदर ज़्यादा होती है, इस कदर ज़्यादा होती है कि जब अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल के अंदर कुरान मजीद की इस आयत का इक़रार किया जाता है और इस आयत का ऐलान होता है इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु, कि अल्लाह का वली वो लोग हैं कि जो हालत रुकू के अंदर ज़कात देते हैं, तो अली इब्न अबी तालिब इस ज़कात को देने के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये शुक्र को शुक्र है कि एक मरतबा फजीलत को सुनने के बाद अली इब्न अबी तालिब ने शुक्र किया है और एक मरतबा मसाइब को बर्दाश्त करने के बाद अली के फर्जंद हुसैन इब्न अली ने शुक्र किया। मौला हुसैन जब निकले हैं मदीने से, तो मदीने से निकलने के बाद मक्के के रास्ते में होते हुए 2 मुहर्रम को कर्बला की ज़मीन पर पहुँचे। एक मरतबा जब मौला कर्बला की ज़मीन पर पहुँचते हैं तो ज़ुलजना हरकत नहीं कर रहा। मौला हुसैन अपने घोड़े को तब्दील करते हैं, दूसरा घोड़ा वो भी नहीं चलने को तैयार है। इस तरीके से मौला 7 घोड़ों को तब्दील करते हैं। जब 7 घोड़े तब्दील करने के बाद भी कोई घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं है, एक मरतबा इधर व उधर नज़र को दौड़ाते हैं, देखते हैं एक बूढ़ा जवान है। मौला हुसैन इस बूढ़े जवान से पूछते हैं कि ऐ बूढ़े शख्स से पूछते हैं कि ऐ शख्स ज़रा मुझे ये बताओ कि इस जगह का नाम क्या है, इस ज़मीन का नाम क्या है। तो वो कहता है इसका एक नाम है नैनवा। तो इमाम अली मकाम पूछते हैं कि अच्छा इसका और कोई भी नाम है, तो कहता है हाँ इसका एक दूसरा नाम है गादरिया। इमाम पूछते हैं अच्छा इसका और कोई भी नाम है, तो ये कहता है कि हाँ इसे शातीय फुआद भी कहते हैं। तो इमाम अली मकाम पूछते हैं क्या इसका कोई और भी नाम है, तो एक मरतबा ये अपनी कमर को कस कर कहता है ऐसे कैबो बला भी कहते हैं। बस ये झोला सुनते हैं इमाम अली मकाम एक मरतबा
ये जुमला कहते हैं अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन अज़ कैबिन व बला, कि खुदाया मैं तेरी पनाह मांगता हूँ उस ज़मीन में कि जिसका नाम कैब व बला है। तो उसके बाद एक जुमला कहते हैं कि हादा मौज़िउ कैबिन व बला, ये वो ज़मीन है कि जो कैब का भी मुसीबत के भी मकाम है और इम्तिहान और आजमाइश का भी मकाम है। अज़ाने गिवानी, जब आप कहीं पर जाते हैं और कोई आपको दावत देता है तो आप अपने घर वालों को अगर साथ में लेकर जा रहे हैं तो बच्चे पूछते हैं कि बाबा हमें जिन्होंने दावत दी है वो हमारी इस्तकबाल के लिए हमारी खातिर तवाज़ो के लिए क्या करेंगे। तो मामूलन माँ बाप ये जवाब देते हैं कि बेटा हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारा इस्तकबाल करेंगे, हमारी खातिर वो तवाज़ो करेंगे, हमें खाना खिलाएंगे, हमें शरबत पिलाएंगे, हमें पानी पिलाएंगे। लेकिन एक मरतबा इस दो मुहर्रम को मौला हुसैन जो जुमला कहना चाहते हैं, शायद ज़माने हाल से बनू हाशिम के छोटे छोटे बच्चों ने पूछा हो कि ए बाबा ए चचा आप ये बताइए कि यहाँ हमें क्या मिलेगा। तो तारीख के जुमले हैं, मक्तल अभी मखनफ के जुमले हैं, एक मरतबा हुसैन इब्ने अली ने ये जुमला कहा, हाजा माहदोरे हालिना, ये वो मकाम है जहाँ पर हमारे खेमे बनाए जाएंगे और जहाँ पर हमें ठहरना है। उसके बाद का हाजा मज़बहो रिजालिना, ये वो मकाम है जहाँ हमारे मर्दों को ज़िबा किया जाएगा। हाजा हद को अयालिना, मैं कैसे इन जुमलों का तर्जुमा करूँ। मौला हुसैन ये जुमला कहते हैं, हाजा हद को अयालिना, ये वो मकाम है जहाँ हमारी मस्तूरात की तौहीन की जाएगी। फिर एक जुमला कहते हैं, हाजा मज़बहो अयालिना, ये हमारे घर वालों के ज़िबा होने का मकाम है। बस एक मरतबा हुसैन इब्न अली ये ऐलान करते हैं कि खैमों को लगा दिया जाए और मस्तूरात को खैमों में भेजा जाए। ये काफिला जो 28 रजब को मदीने से कूफा के लिए मुसाफिर बनकर सवार हुआ था, एक मरतबा मक्के में उमरा करके कर्बला में रुक जाता है, खैमों को आमादा किया जाता है। अब्बास आते हैं और आकर कहते हैं मस्तूरात को सबसे पहले खैमों में डाला जाए, खैमों में भेजा जाए। एक मरतबा मस्तूरात खैमे में जाती है, बीबी ज़ैनब सवाल करती है, ऐ मेरे माँ जाए, क्या यही हमारा मकाम है, क्या हमें यहीं पर ठहरना है। यहाँ तो मुझे खून की खुशबू आ रही है, यहाँ तो एक वहशतनाक माहौल है और एक बूढ़ी खातून की नफसुल महमूम के जुमले है कि एक बूढ़ी खातून की मुझे सदा महसूस हो रही है। एक मरतबा हुसैन इब्ने अली बीबी ज़ैनब को अपने सीने से लगाते हैं और ये जुमला कहते हैं कि ए ज़ैनब ए मेरी माँ जाए, ए मेरी बहन ज़ैनब, ये आवाज किसी और बूढ़ी खातून की नहीं है, ये मेरी और तेरी माँ फातिमतुज़्ज़हरा के गिविया की आवाज है, जो हर हर मौके पर खुदा की तरफ से आजमाइश को बर्दाश्त करने का हौसला और सब्र मुझे देगी। एक मरतबा हुसैन इब्ने अली बीबी ज़ैनब से कहते हैं कि ऐ ज़ैनब ऐ बहन ज़ैनब, यही वो मकाम है जहाँ पर बनू हाशिम के जवान शहीद हो जाएंगे। बस बईद नहीं कि जनाब ज़ैनब के जहन में वो मंजर आ गया हो कि जब वो मदीने से चली थी तो एक मरतबा अब्बास ने आकर फासले के साथ बीबी ज़ैनब को महमिल पर सवार करवाया था, लेकिन इसी साल के 61 हिजरी की 10 तारीख होगी, यही बीबी ज़ैनब होगी। एक मरतबा तिलाए ज़ैनबिया से 70 कदम की दूरी पर अपने भाई के लाशे को देख रही होगी, तेरा
پنجوں سے حسین ابن علی کی گردن پروار ہوگا اور زینب صدا دے گی میرے بھائی کو قتل نہ کرو واہ زینب واہ مظلومہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم خدایا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما خدایا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو جو مومنین جو جو حاجات لے کر آئے ہیں ان کی حاجات کو روا فرما ان کی مشکلات کو دور فرما خدایا جو جو مومنین بیمار ہیں پروردگار انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما خدایا ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما خدایا ہمارے والدین جو اس دنیا سے بعض مومنین کی جا چکے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما جو قید حیات میں ہیں پروردگار انہیں طول عمر عنایت فرما خدایا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و اسار میں شامل فرما ماتم حسین